हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष इंग्लिश प्रोज ओमेन एजुकेशन से बचे हुए शेष अंश का थर्ड पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं कि हिंदुस्तान के महान शिक्षा विचारक, जिन्होंने नारी शिक्षा पर अपने विषय को प्रस्तुत किया, ने नारी शिक्षा के संदर्भ में क्या कहा। जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे कि आपके पास एक सच्चा मस्तिष्क होना चाहिए और केवल एक सिंगल उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि जो असभ्य व्यक्ति होता है, असभ्य मस्तिष्क वाला व्यक्ति होता है, उसका पूरा जीवन विभिन्न दिशाओं में तितर बितर हो जाता है, क्योंकि कहा गया है बहुशाख्या हयंत था। बहुत सारे उद्देश्य रखने से व्यक्ति का जीवन विभिन्न दिशाओं में तितर बितर हो जाता है। हमको पढ़ना है इसलिए इट इज एसेंशियल या अनिवार्य है दैट द एजुकेशन की शिक्षा विच जो यू एक्वायर आपको जरूरत है इन दीज इंस्टीट्यूशन इस संस्थानों में शुड गिव दे यू आपको नॉट नहीं मेरली मात्र लर्निंग माने सीखना विद्वता एंड स्किल और कुशलता। इसलिए यह अनिवार्य है कि वह शिक्षा जो आपको इन संस्थानों में दी जाए वह केवल आपको विद्वता और कुशलता ही न दे कि आप पढ़ना जान जाए, आप लिखना जान जाए, आप बोलना जान जाए, आपके अंदर कुशलता आ जाए, केवल इतना ही ना दे बट किंतु इंडो ओत प्रोत कर दे, भर दे यू आपको विद डिफिनिट पर्पस एक निश्चित उद्देश्य इन लाइफ जीवन में एक निश्चित उद्देश्य आपको ओत प्रोत कर दे, आपको भर दे, इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, एक निश्चित उद्देश्य है। आप देखते हैं कि जो बालक इंजीनियरिंग करके आता है वह इंजीनियर कहलाता है। उसके जीवन का उद्देश्य होता है मशीनरी का काम करना, टेक्निकल काम करना। जो चिकित्सा का अध्ययन करके आता हो डॉक्टर कहलाता, उसका अध्ययन होता है चिकित्सा करना, ठीक ना। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बच्चों के अंदर एक जीवन का निश्चित उद्देश्य बन जाता है। तो आपके जीवन का भी निश्चित उद्देश्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए इस शिक्षा के द्वारा। बात समझ में आई? जरा ध्यान दीजिएगा। दियरफार इसलिए इट इज एसेंशियल या अनिवार्य है दैट द एजुकेशन शिक्षा विच जो यू एक्वायर आपको जरूरत है इन दीज इंस्टीट्यूशन इन संस्थानों में शुड गिव दे यू माने तुम्हें नॉट नहीं मेयरली मात्र लर्निंग विद्वता एंड स्किल और कुशलता। इसलिए यह अनिवार्य है कि यह शिक्षा जो आपको इन संस्थानों में प्रदान की जाती है वह केवल आपको विद्वता और कुशलता ही न दे बट इंडोर्स बल्कि ओतप्रोत कर दे यू आपको विद डिफिनिट पर्पस ऑफ लाइफ जीवन के निश्चित उद्देश्य से। क्लियर हुआ? व्हाट द पर्पस इज, व्हाट मीन्स क्या द पर्पस उद्देश्य, वह क्या उद्देश्य है जिससे आपको ओतप्रोत कर दे। इन्होंने कहा यू हैव आपके पास होना चाहिए टू डिफाइन माने परिभाषित कर दे फॉर योर सेल्फ अपने आप से। बेटा उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि वह उद्देश्य आपको अपने आप एकदम परिभाषित कर दे कि आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप इंजीनियर हैं, आप शिक्षक हैं।
एकदम आपको डिफाइन कर दे, आपको परिभाषित कर दे, आप अपने नाम से ना जाने जाए बल्कि अपने शिक्षा के द्वारा प्राप्ति उपाधि के द्वारा पहचाने जाए। व्हाट द पर्पस, इस वाक्य का उद्देश्य है, यू हैव टू डिफाइन, जो आपको डिफाइन कर दे फॉर योर सेल्फ, अपने आप। बेटा एक ऐसा उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए जो आपको अपने आप डिफाइन कर दे, आपको अपने आप बता दे कि आप क्या हैं। ओके, आइए देखते हैं। इट इज सेड अकॉर्डिंग टू राधा कृष्ण दैट द एम ऑफ एजुकेशन मस्ट बी दैट डिफाइन यू योर सेल्फ। इट इज सेड, ये कहा जाता है, विद्या गिव्स यू विवेक। बेटा विद्या क्या है? विद्या संस्कृत के विद धातु से लिया गया है और जिसका अर्थ सीखना और सिखाना। तो ये विद धातु का शब्द जिसे विद्या कहा जाता है, जिसका अर्थ सीखना और सिखाना होता है, गिफ्ट देता है यू आपको विवेक का, विवेक। बेटा वो विवेक आपको देता है। व्हाट इज विवेक? द विवेक इज योर माइंड विच हैव द पावर टू थिंक व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। अरे यही आपका मस्तिष्क जो सोचता है क्या गलत है क्या सही है। तो बेटा विद्या आपको क्या देती है? विवेक देती है, विमर्श रूपनी विद्या, और वह विद्या जो विचारों से परिपूर्ण होती है गिफ्ट देती है यू आपको ए सेंस, एक ज्ञान, आप व्हाट इज राइट क्या सही है, एंड हेल्प और सहायता करती है यू माने आपको टू अवॉइड माने बचने के लिए व्हाट इज रॉन्ग जो गलत है, और विमर्श रूपनी विद्या आपको वह सेंस देती है, वह इंटेलिजेंट देती है, वह बुद्धि देती है कि क्या सही है, और आपको सहायता करती है उस तथ्य से बचने के लिए क्या गलत है। ठीक ना? इफ यू हैव पावर टू थिंकिंग अबाउट द फैक्ट द विमर्श रूपी विद्या गिव यू टू नो व्हाट इज राइट and to avoid what is wrong. Therefore, इसलिए you must try, आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए to find out, ढूंढने का, इसलिए आपको अवश्य इस तथ्य को ढूंढने का, खोजने का प्रयास करना चाहिए what is required, क्या जरूरत है आप ही, आपको in this generation, इस पीढ़ी में। इसलिए यह आवश्यक है कि आपको यह तथ्य ढूंढने की, जानने की जरूरत है कि जिस युग में आप जी रहे हैं, इस युग में आपको किस तथ्य की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है। नहीं तो आदिकाल की तरह हम रामायण महाभारत वेद पुराण का अध्ययन करते हुए चले जाएं, कोई मतलब ना निकले। आज शिक्षा कहती है कि हम भौतिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर अपने ज्ञान होने चाहिए, अपने ज्ञान के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। इसलिए आइए हम देखते हैं, ए पर्पस एक उद्देश्य विच जो हेल्ड माना जाता था गुड, अच्छा, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले, एक उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छा माना जाता था, ए पर्पस एक उद्देश्य विच जो हेल्ड माने पकड़ बनाए रखा था, माना जाता था गुड, अच्छा, सेंचुरी से गो, शताब्दियों पहले में सकता है, नॉट नहीं, होल्ड माना जाना
गुड अच्छा टुडे माने आज, इन व्यू ऑफ दृश्य से, रैपिडली माने तेजी से, चेंजिंग माने बदलते हुए, कंडीशन माने दशा ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड और संसार। एक उद्देश्य जो शताब्दियों से पहले बहुत अच्छा माना जाता था, बहुत श्रेष्ठ माना जाता, हो सकता है कि तेजी से बदलते हुए देश और संसार की इस दशा में आज अच्छा ना हो। बेटा हम लोग आज काल में वेद पुराण का अध्ययन करते थे, तब शिक्षा का उद्देश्य था या विद्या विमुक्ते, शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए, अंधकार से मुक्ति दिलाए या जीवन मरण के बंधन से मुक्ति दिलाए, लेकिन उसका उद्देश्य था सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए, जो छुट्टी दिलाए। लेकिन आज विद्या का उद्देश्य क्या है? विद्या वही है जो आपको धन कमाने में सहायता करे, जो आपको आपकी जीविका चलाने के लायक बना दे, वो विद्या है। तो बेटा उद्देश्य बदल जाते हैं समय के साथ साथ। तो एक उद्देश्य जो शताब्दियों पहले बहुत अच्छा माना जाता था, हो सकता है कि आज तेजी से बदलते हुए संसार और देश की दशा में अच्छा ना माना जाता हो। सो इसलिए द पर्पस उद्देश्य विच जो यू एडॉप्ट, आप ग्रहण करते हैं इन योर लाइफ, अपने जीवन में, इसलिए वे उद्देश्य जिसे आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं मस्ट बी एडॉप्टेड, अवश्य ग्रहण किया जाना चाहिए टू द रिलेवेंट नीड, आवश्यक आवश्यकताओं के द्वारा, ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी के द्वारा। इसलिए वे सारे उद्देश्य जो आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं वर्तमान पीढ़ी की आवश्यक आवश्यकताओं के द्वारा, उन्हें अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिए। इट इज नेसेसरी द पर्पस दैट बी एडॉप्ट इन आवर लाइफ मस्ट बी एडॉप्टेड, जो हम एडॉप्ट कर रहे हैं एडॉप्टेड अवश्य एडॉप्टेड स्वीकार किया जाना चाहिए, नेसेसरी नीड आवश्यक आवश्यकताओं के द्वारा, प्रेजेंट जनरेशन वर्तमान पीढ़ी की आवश्यक आवश्यकताओं के द्वारा अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हिम्स एंड एंड बी सेइंग शांति शांति शांति। बेटा जब कभी हम अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं, अपने जीवन का प्रारंभ करते हैं, अपनी शिक्षा का प्रारंभ करते हैं, एवरी टाइम प्रत्येक वक्त बी स्टार्ट, जब हम अपने प्रारंभ करते हैं, अपने कार्यों का प्रारंभ करते हैं, अपने जीवन का प्रारंभ करते हैं, बी यूज हम प्रयोग करते हैं, और हिम्न अपनी प्रार्थना का, तब हम अपनी प्रार्थना का प्रयोग करते हैं, हे खुदा, हे प्रभु, हमें सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दीजिए, एंड एंड और कार्यों की समाप्ति करते हैं सेइंग, कह करके शांति शांति शांति, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, कहते हुए हम लोग अपने कार्य को समाप्त कर देते हैं। शिक्षण का कार्य, जीवन का कार्य, द टीचर एंड द पुपिल, शिक्षक और शिष्यों में आर एक्सपेक्टेड माने उम्मीद की जाती है, टू अवॉइड माने बचने के लिए, हेटिंग माने घृणा से ईच अदर प्रत्येक, शिक्षक और शिक्षार्थियों में एक दूसरे से, एक दूसरे को घृणा से बचने की उम्मीद की जाती है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में कभी घृणा की भावना ना आए। प्यारे बच्चों, यह पाठ मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगला पाठ लेकर के अगले लेक्चर में मैं आपके समक्ष आऊंगा, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।